यूपी में पहली मौत। नहीं हुआ है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, मौत का खुलासा हुआ गांधीनगर के तरखिया का ये युवक था, मुंबई से छुपकर बस्ती आया था युवक। तो मृतक और तीमारदार से हिस्ट्री छुपाई गई थी, मेडिकल स्टाफ को क्वारंटीन कराया गया। पोस्टमार्टम करने वाले में लोग भी संदिग्ध हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही भी उजागर हुई, एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। बस्ती का गांधीनगर पूरी तरह से अब सील कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही भी यहां पर देखने को मिली है। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को क्वारंटीन कराया गया है। एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको बता दें कि यूपी में कोरोना की वजह से ये पहली मौत है, 25 साल के युवक की कोरोना से मौत हुई है। एक बड़ी खबर आपको बता दी कि कोरोना वायरस से यूपी में ये पहली मौत है, बस्ती के युवक की गोरखपुर में मौत हो गई। 25 साल के युवक से पहले तक कोरोना का खुलासा नहीं हो पाया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का खुलासा हुआ, कोरोना वायरस की वजह से इस व्यक्ति की मौत हुई। विकास शाही हमारे साथ हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के लिए गोरखपुर से जुड़ गए हैं। विकास, क्या कोई जानकारी आपके पास, कौन है युवक? विकास, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? जी मनीष जी, आपको बता दें कि ये बस्ती का रहने वाला युवक बताया जा रहा है, जिसकी मौत की बात कोरोना पॉजिटिव के रूप में की जा रही है। डीएम, सीएमओ और कप्तान ये सब मेडिकल कॉलेज में पहुंच चुके हैं, अभी भी कोई अन्य अधिकारी खुल के बात सामने करे नहीं आ रहा है, लेकिन अधिकारी पहुंच के इसका मतलब है कि जरूर मामला काफी गंभीर है और इसकी मौत जो है कोरोना पॉजिटिव से हुई है। अब अधिकारी बाहर आते हैं तो मालूम होगा कि क्या कारण था, लेकिन अभी भी कोई भी अधिकारी उनके बोलने को तैयार नहीं दिख रहा है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विकास, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनुज हमारे साथ हमारे संवाददाता बस्ती से जुड़ गए हैं। अनुज, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? एक बड़ी लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिली है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इस युवक की कोरोना वायरस, कुछ कार्रवाई की जा रही है क्या? परिवार वालों के सैंपल लिए गए हैं, गांव वालों के सैंपल लिए गए हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये बड़ी लापरवाही ही कही जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से इसकी मौत हुई और मौत होने के बाद ये रिपोर्ट पीएम रिपोर्ट में पॉजिटिव पाया गया है, जब इस बात की तो वो काफी इसमें शिथिलता दिखाए हैं, ये साफ तौर पर ही नजर आ रहा है। इसमें कहीं दो राय नहीं है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले ये जिला अस्पताल में भर्ती हुआ और उसको लेके अस्पताल परिसर के जो भी कर्मचारी थे वो भी हंगामा काटे, तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है इनके घर पे पहुंचा है और इनको एम्बुलेंस के द्वारा ले जाके आइसोलेट करा रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी इसमें और भी संदिग्ध मिल सकते हैं। जी राहुल जी, अनुज जानना चाहेंगे आपसे, जो वो मेडिकल स्टाफ कहाँ है जिसने इस युवक का इलाज किया और जांच रिपोर्ट क्यों अभी तक सामने नहीं आई? जी कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन है पूरी तरीके से अभी इस चीज को छिपा रहा है, क्योंकि यूपी में पहली मौत है, क्योंकि अभी कोई आला अधिकारी इसमें खुल के बोलने को तैयार नहीं है। अगर किसी भी आला अधिकारी से बात की जा रही है तो उनके जवाब बड़े गोलमोल से है कि अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई है, अभी हमारी हाल ही में बात हुई तो उन्होंने कहा कि बॉडी भी नहीं आई है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन अब इस मामले में पूरी तरीके से लीपापोती में जुट गया है। जी राहुल जी, अनुज आपसे जानना चाहेंगे जनाजे में कितने लोग शामिल थे? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो बॉडी थी वो यहाँ पे नहीं आई है, तो इस बात की पुष्टि अभी नहीं हो सकती है कि इसका जनाजा कहाँ पे हुआ है। जी राहुल, अनुज जानना चाहेंगे आपसे, कब ये युवक गांव पहुंचा था और जब गांव पहुंचा तो इसकी जांच क्यों नहीं करवाई गई? जी ये शहर का ही एक मोहल्ला है त्रिकैया, ये यहाँ पे आया हुआ था कुछ दिन पहले, ये बंबई से आने की बात जो आ रही है सामने, उसके बाद इसको ये दिक्कतें हुई थी, जिसके बाद ये जिला अस्पताल में गया था और अपने आप को सांस फूलने की शिकायत बता के भर्ती हुआ था। हाँ। जब हालत इसकी बिगड़ी तो इसको यहाँ से बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेजा गया। जी अनुज, जानना चाहेंगे आपसे, आप पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है, क्योंकि ये जो युवक है कई लोगों के संपर्क में आया था, तो क्या सभी के सैंपल लिए गए हैं? जी बिल्कुल, जो परिजन है, जो आस पास के लोग हैं, वो पूरा एरिया जो है त्रिकैया मोहल्ला जो है उसको सील कर दिया गया है और जितने लोगों के संपर्क में गया है
सास मौत में जो टीम उन लोगों को ले जाके आइसोलेट करवा रही है, और जो कुछ और इस तरीके के लोग हैं उनको क्वारंटाइन करने के लिए किया गया है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनुज। तो आपको बता दें कि यूपी में ये पहली मौत है कोरोना वायरस से, यूपी की पहली मौत हुई है, बस्ती के युवक की गोरखपुर में मौत हो गई। आपको बता दें कि ये 25 साल का युवक था जिसकी मौत हुई है, मरने से पहले तक कोरोना का खुलासा नहीं हो पाया है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही मौत का खुलासा हुआ है। तो गांधीनगर के तुरखिया का ये युवक था, मुंबई से छुपकर बस्ती आया था, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही यहां पर प्रशासन की भी देखने को मिली है। इतना लंबा सफर इस युवक ने तय किया, लेकिन उसके बावजूद सवाल यहां पर ये खड़ा होता है कि इस युवक का मेडिकल चेकअप क्यों नहीं कराया गया, मेडिकल जांच क्यों नहीं करवाई गई, और इतना लंबा सफर इसने आखिर कैसे कर लिया। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वीरेंद्र सिंह हमारे स्टेट हेड जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, यूपी में कोरोना वायरस की वजह से पहली मौत हुई है, क्या लगता है आपको कि अब कुछ दिन पहले की अगर बात की जाए तो पूरे देश भर में यह आंकड़ा 100 तक था और अब हम लोग 2000 के करीब पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, क्या लगता है कि कितने दिन में अब थर्ड स्टेज पर हम लोग पहुंच जाएंगे, और अगर पूरा देश अगर कोरोना का थर्ड स्टेज पर पहुंचता है तो क्या इसके लिए हम तैयार हैं? देखिए, वाकई में ये एक बहुत चौंकाने वाली और कहा जाए तो हड़कंप मचा देने वाली खबर है जी। कि बस्ती में जो युवक संदिग्ध पाया गया था उसको बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया और कल उसकी मौत हो गई, और तब तक ये इसकी रिपोर्ट सार्जिंग नहीं हुई कि वो कोरोना पॉजिटिव है, संदिग्ध माना जा रहा था उसको। अब डॉक्टरों ने उसका पोस्टमार्टम भी कर दिया है जी। ये बताया, अब ये रिपोर्ट जब पॉजिटिव आ गई है बिल्कुल, तो जो डॉक्टर पोस्टमार्टम किए उनकी जान को भी खतरा पैदा हो गया है, और जो लोग जनाजे में शामिल हुए थे वो भी सब इसमें फंसेंगे जी। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है, इस पूरे मामले को छुपाया गया और समय रहते इसमें रिपोर्ट का खुलासा नहीं हुआ और लोगों को ये जानकारी नहीं दी गई, तो ये अपने आप में एक तरह से कहा जाए पूरा जो इलाका है बस्ती में, जो जहाँ पर वो लड़का रहा था बम्बई से आकर गांधीनगर के तुरकैया में, उस पूरे इलाके को अब सील किया गया है प्रशासन द्वारा जी। और लोगों के लिए भी कितना ये लोगों को ये फैला है, कितना लोगों को पता, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन ये बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। बिल्कुल, बिल्कुल। और कहा जाए तो जांच में देरी इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है जी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। सीमाब हमारे साथ हमारे संवाददाता, और ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए लखनऊ से। सीमाब, यहाँ पर यूपी में पहली मौत हुई है, यूपी की अगर बात की जाए तो कितनी तेजी से ये संक्रमण अब फैलता हुआ नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही भी प्रशासन की देखने को मिली है, क्या लगता है आपको कि एक बड़ी लापरवाही के बाद कितनी तेजी से ये संख्या बढ़ेगी? अब देखिए मनीष, ये बहुत ही गंभीर विषय है। दरअसल जब ये व्यक्ति मुंबई से आया था बस्ती अपने गांव में रहने के लिए, तो उनके घर वालों को, उनके परिवार वालों को इस बात की जानकारी प्रशासन को देनी चाहिए थी कि ये व्यक्ति बम्बई से आया है और यहाँ पर ये आकर रह रहा है, लेकिन इस तरह की लापरवाही बरती गई और जब उसमें जो है वो कुछ तबीयत उसकी खराब हुई तो उसको बस्ती में पहले भर्ती कराया गया, और उसके बाद जब तबीयत ज्यादा बिगड़ती है तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में उसको भर्ती करा दिया जाता है, उसकी वहां मौत हो जाती है, किसी को पता भी नहीं चलता कि कोरोना उसमें है का मरीज था वो। और जब उसकी जांच लखनऊ के केजीएमयू में भेजी जाती है तो यहां से उस मामले की पुष्टि होती है कि उसको कोरोना पॉजिटिव था, और वो जब जांच वहां तक पहुंचती है और तब तक उसकी मौत हो चुकी होती है, तो ऐसे में उसका जनाजा में भी बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं और वो घर परिवार वालों के साथ भी काफी लंबे समय तक रहता है। ऐसे में जिन लोगों के संपर्क में रहा है, जिन डॉक्टरों ने उसका इलाज किया है, या जो लोग जनाजे में शामिल हुए हैं, उन सब की जान को खतरा है, सबके सब जो है वो कहीं ना कहीं क्वारंटाइन कराने की जरूरत है। अब एक एक व्यक्ति की निगरानी की जानी चाहिए जो लोग उसके संपर्क में आए थे, ये बहुत बड़ी लापरवाही है, इस पे जो है वो कार्रवाई करने की जरूरत है कि अगर किसी कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है तो यूपी में प्रवेश करता है आने के बाद, तो कहीं ना कहीं वो संदिग्ध है, उसकी जांच होनी चाहिए, उसको आइसोलेट किया जाना चाहिए, उसको क्वारंटाइन किया जाना चाहिए। तो इस तरह के मामले जो सामने आ रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन बस्ती का जो है वो कितना सतर्क हो पाता है, कितने लोगों को चिन्हित कर पाता है, कितने लोगों पर कार्रवाई। आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें दिल्ली में एक और डॉक्टर को कोरोना का मरीज पाया गया।